और अब बात रूस और यूक्रेन युद्ध की। युद्ध के दौरान टीवी 9 के निष्पक्ष कवरेज से प्रभावित होकर रूस की संसद ने टीवी 9 को स्पेशल परमिशन दी कि वो रूसी संसद के भीतर आकर कवरेज कर सके। आज तक किसी भी विदेशी न्यूज चैनल को रूसी संसद के भीतर आने की इजाजत नहीं मिली थी। देखिए रूस के स्टेट डूमा बिल्डिंग से हमारे संवाददाता मनीष झा की ये खास रिपोर्ट। आज हमें इतिहास का साक्षी बनने का मौका मिला है जब टीवी 9 की टीम को रूस की संसद की जो बिल्डिंग है वहां पर आने का अलग से विशेष इजाज़त दी गई है और हम इस वक्त रूस की संसद की बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। रूस की संसद जिसे फेडरल असेंबली कहा जाता है, इसके भारत के संसद की तरह ही दो हिस्से हैं। जैसे भारत की संसद में राज्यसभा है अपर हाउस और लोकसभा है लोअर हाउस, उसी तरह से रूस के फेडरल असेंबली यानी रूस की पार्लियामेंट के भी दो हिस्से हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक है फेडरेशन काउंसिल और दूसरा है लोअर हाउस यानी स्टेट डूमा, और दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को, दोनों के मेंबर को डिप्यूटीज कहा जाता है। और हमें इस वक्त खास इजाज़त मिली है कि हम रूस की संसद की इस बिल्डिंग में आकर यहाँ से रिपोर्टिंग कर सकें। और टीवी 9 ने जो डोनबास से जाकर कवरेज की है उससे रूस की सरकार और रूस की संसद सदस्य खास से प्रभावित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीवी 9 ने उस सच को दिखाया है जो दुनिया जिससे मुंह फेर रही थी। और हमें विशेष इजाज़त यहाँ मिली है। इस वक्त आप देख सकते हैं हम कहाँ पर मौजूद हैं और हम अलग अलग हिस्से में संसद बिल्डिंग में जाकर यहाँ का मुआयना कर रहे हैं। बहुत हद तक ये सब कुछ भी भारत की संसद की तरह ही है। और पुतिन के बेहद करीबी और रूस की हाई प्रोफाइल सांसद मारिया बोटिना ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि अपने बॉर्डर पर नेटो के मिसाइल को तैनात होते हम नहीं देख सकते थे। हम भारत की तरह शांति के पक्षधर, मगर जब तक रूस पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता युद्ध जारी रहेगा। Right now, this war is happening. What you are thinking? Let me first show you something. Like, let's go to my next, to the same desk. And this is what this situation, this fight is for me. This one was presented to me by people from Donetsk. And so what they did, they Ukrainians shoot them every day to remember that we did not start this war. This war has started many, many years ago, and for 8 years, they have been shooting and killing people. And Russia started its military, a special military operation to stop the war. It's a great pain, and also I cannot ignore the fact of NATO. Like if some unfriendly country goes to your borders, you're going to defend your land. इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।